हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए मिलेंगे 2,50,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। तो दोस्तों घर बनाने को 2,50,000 रुपए सरकार दे रही है सीधे बैंक खाते में, अगर आपका घर नहीं है तो। दोस्तों कैसे दे रही है, किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों, इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे, इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया, उसे भी टच करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सके हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है, और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपका घर है या नहीं। अगर आप किराए पर रहते हैं या आपका घर नहीं है या टूटा फूटा घर है तो आपको घर बनाने के लिए मिलेंगे 2,50,000 रुपए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है घर बनाने को 2,50,000 रुपए देगी मोदी सरकार। दोस्तों अब 3,00,000 रुपए की आय तक के लोगों को अपने घर का सपना हकीकत के रूप में ले सकता है। तो दोस्तों शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को उनकी जमीन पर मकान बनाने के लिए सरकार 2,50,000 रुपए की मदद देगी, और जो लोग किराए पर रहते हैं या जिनका मकान नहीं है या टूटा फूटा मकान है उनको भी सरकार 2,50,000 रुपए देगी घर बनाने के लिए। सरकार ने ऐसी शहरी लोगों को सहूलियत देने की इस धमाकेदार योजना की शुरुआत की है जिनके पास जमीन तो है लेकिन मकान बनाने के लिए धन नहीं है। इसके अलावा झोपड़पट्टी, कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले लोग भी नए मकान का सपना हक के साथ देख सकेंगे। उन्होंने ये हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई है। इसकी खासियत यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3,00,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को इसके पात्र माना जाएगा, जबकि इससे पहले की योजनाओं में आय सीमा काफी कम रहती थी। इसके चलते तमाम लोग योजना का लाभ ले मिलने से वंचित रह जाते थे और लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता था। अब इस योजना के अंतर्गत सभी को मिलेंगे 2,50,000 रुपए। योजना में पात्र परिवारों को 30 वर्ग मीटर की जमीन पर मकान के निर्माण को 2,50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसमें केंद्र सरकार के 1,50,000 और राज्य सरकार के 1,00,000 रुपए शामिल होंगे। शेष खर्चा लाभार्थी को उठाना होगा। स्थानीय स्तर पर जिला नगरीय विकास अधिकरण को योजना की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों जो आवेदन प्राप्त होने पर जांच आदि कराकर एकीकृत सरकारी आवास परियोजना तैयार करेगा। मकान शहर के मानकों के अनुरूप बनाए जाएंगे। सभी नगरी क्षेत्र होंगे शामिल। तो दोस्तों सभी नगरी क्षेत्र शामिल होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में। सभी नगरी नगर निकायों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों एटा की 4 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायत क्षेत्रों के पात्र शब्दों को योजना का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आसरा योजना में 1,295 परिवार चयनित होंगे। तो दोस्तों केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 30 वर्ग मीटर पर मकान बनाने जाने का प्रस्ताव है, वहीं इससे पहले राज्य सरकार की आसरा योजना में 25 वर्ग मीटर भूमि पर मकान निर्माण का प्रस्ताव लाभार्थित है। इस योजना में जिले के 5 स्थानीय नगर निकाय क्षेत्रों से 1,295 परिवारों को चयनित कर जा चुका है, लेकिन पात्रता की श्रेणी में 6,000 से मासिक वाले परिवारों की शामिल होंगे। तो दोस्तों 6,000 रुपए मासिक वाले परिवार इस योजना में शामिल होंगे। अधिकारी की बात, योजना को लेकर प्राप्त शुरुआती दिशा निर्देशों के आधार पर जरूरत का आकलन तैयार किया जा चुका है। इसके बाद फार्म लिए जाएंगे और सर्वे कराया जाएगा। पात्रता आदि की जांच के बाद परिवारों को शामिल कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो दोस्तों सह परियोजना अधिकारी टूडा ने इस योजना की में अपना काम करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों अगर आपका घर नहीं है और टूटा फूटा घर है तो आप कमेंट करें, आपको मिलेंगे घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों केंद्र सरकार देगी 1,50,000 रुपए और राज्य सरकार देगी 1,00,000 रुपए, दोनों को मिलाकर 2,50,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी जिनका घर नहीं है, किराए पर रहते हैं या टूटा फूटा घर है। तो दोस्तों उन लोगों को 2,50,000 रुपए मिलेंगे जिनका घर नहीं है और घर बनाने के लिए सरकार दे रही है। सभी गरीब लोगों को
250,000 रुपए। तो दोस्तों जमीन पर मकान बनाने के लिए, जिसके पास जमीन तो है लेकिन मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, इसके अलावा अगर टूटे फूटे कच्ची झोपड़पट्टी में रहते हैं रहने वालों को मकान का नया मकान बनाने का हक दिलाने का वादा किया है मोदी सरकार ने, तो सभी लोगों को मिलेंगे 250,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों आप आज ही आवेदन करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर बनाने के लिए मिलेंगे 250,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।